हाय एवरीवन, ऑटो सेक्टर में लोग पीछे पड़े हैं टाटा मोटर की, पर आगे कौन जा सकता है वो दिखते हैं। ऐसा अभी चार्ट पे लग रहा है, ऐसा नहीं है मैं कहूँ वो सही है या चार्ट जो कहे वो भी सही है, राइट। चलिए देखते हैं, टाटा मोटर्स वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टॉक वॉर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे टाटा मोटर में आप देख सकते हो कि मोटर्स के आगे एक नाम जुड़ा गया है टाटा, जिसके कारण होता क्या है, सब इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग आपको पता ही है कि यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है, ट्रेडिंग हो या रियल लाइफ, यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है। आप देख सकते हो कि ये मैंने लिया है वीकली चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स, जहाँ पे लोग टाटा मोटर्स से शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि टाटा की कार जो है वो सक्सेस हो रही है। ऐसे नहीं खरीदना चाहिए वैसे तो, पर चलिए ठीक है, टाटा की कार खरीदे वो अलग बात है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो कैंडल के बीच में मछली फंसी थी और फिर आफ्टर दैट इट टुक द रिएक्शन। रिएक्शन यानी पुल बैक, आप कह सकते हो कि बॉल गिरने के बाद जो उछलता है, सिंपल वे में मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली आई यूज द वर्ड रिएक्शन। आप देख सकते हो लाइन चार्ट से आपको उसका अंदाज़ा आ जाएगा कि बॉल यहाँ से गिरी है फिर उछली है। आप देख सकते हो लास्ट टू लाइन्स में जैसे यहाँ पे हुआ था, आप देखिए सेलर बायर एंड सेलर, तो सेम यहाँ पे आपको दिखेगा सेलर बायर, और कहाँ से सेलर जो है ये जीत सकते हैं गेम टाटा मोटर्स में, तो ये लो बहुत ज़रूरी है टूटना जो बैर्स हैं उनके लिए और जो बुल है उनके लिए, ये लेवल सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट लेवल इज़ द लो ऑफ लास्ट वीक 18 अप्रैल 22, यहाँ पे डेट लिखी गई है उसकी बिगिनिंग वो हफ्ते की, तो दैट लो इज़ 417। सो 417 के नीचे मुझे टाटा मोटर अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है, और ये लेवल टूटने पर और पैनिक आ सकता है। यहाँ पे एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है, बड़े वो अलग बात है दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि लाइफ टाइम हाई से भी बहुत दूर है, कोसों दूर है वैसे तो, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अभी डाउन ट्रेंड चैनल और हर्डल्स ऊपर की तरफ बहुत है, ये दो हर्डल भी उसको परेशान करेंगे फिलहाल, ठीक है। बड़े वो अलग बात है, बट उससे भी ज़्यादा जो स्मूथ मूवमेंट मुझे दिख रही है चार्ट पे वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखते हैं दोस्तों, एक बात ऑलवेज ध्यान रखिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर हो, इमोशनली इमोशंस देख के या कोई भी ब्रांड देख के हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टाटा मोटर्स के ही पीछे है, या फिर मारुति तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा शेयर का प्राइस देख के। चलिए देखते हैं इसका मंथली चार्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये उसका लाइफ टाइम हाई है एंड इट इज़ 964.30, आफ्टर दैट इट मेड द 52 वीक लो 241.65। फिर यहाँ पे एक बार उसने ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया लेकिन इट टुक द रिएक्शन और वो ब्रेक करने में कामयाब नहीं रहा। इस बार देखते हैं कि क्या कामयाबी उसे मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। यहाँ पे चांसेस बहुत हायर हैं क्योंकि ये तीन कैंडल की एक बुलिश पैटर्न है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राइट। दूसरी बात, ये खुद ये हैमर जैसी पैटर्न है जो बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रही है, राइट। तो इसमें इस टाइम पे ये हाई टूटने पे 979 देखेंगे, स्टॉप लॉस डेफिनेटली मंथली चार्ट है तो यही लो रहेगा 671। मैं ऑप्शन फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैश की बात कर रहा हूँ। टारगेट भी इसका बढ़िया रहेगा एज पर द चार्ट पैटर्न 967 से लेके ये लो, इतना डिफरेंस आपको 967 में ऐड करना। आफ्टर टेकिंग एंट्री वी शुड ट्रेल द स्टॉप लॉस राइट बाय द बॉटम। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज दोस्तों, तो यहाँ पे महिंद्रा महिंद्रा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जो लाइफ टाइम हाई के पास हो ऐसे शहर में जाना चाहिए, सस्ता मिल रहा है तो उसमें जाएं, ऐसा नहीं है। HDFC बैंक ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, लेकिन दोस्तों मैं तो उसे ट्रैप कंसीडर करूंगा क्योंकि वो शेयर जब से डीमर्जर के न्यूज़ आया तब से वो गिर रहा है, तो अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ की गई है, ठीक है। देखते हैं, उनका पर्पज़ वो नहीं होगा, लेकिन लोग तो इसमें जो मर्जर के दिन लोगों ने उस पर अटैक किया था HDFC बैंक पे, वो हो सकता है कल भी हो, राइट दोस्तों। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।